हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने ही चैनल में इंग्लिश टैंकर में गाइस आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जो लोग इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है पास्ट का है या प्रेजेंट का है जब हम किताब पढ़ते हैं तो कौन सा सेंस बैठेगा लाइन के अंत में तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है तो स्टोरी ही कैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो बात है वो पास्ट में हो रही है या फिर प्रेजेंट पे हो रही है या फिर फ्यूचर में हो रही है ठीक है तो यहां पर एक एक लाइन का जो हिंदी है वर्ड मीनिंग है वो मैं यहां पर लिखती जाऊंगी ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो चलिए स्टार्ट करते हैं सेव बॉटर सेव लाइफ सेव होता है बचाना वॉटर मीन्स जल लाइफ होता है जीवन ठीक है तो जो टाइटल है हमारे स्टोरी का जल बचाएं जीवन बचाएं ठीक है देयर वॉज अ विलेज बॉय नेम्ड साधु देयर मींस वहां वॉज था एक विलेज मीन्स गांव ठीक है बॉय लड़का नाम था ठीक है नेम्ड है ना अगर नेम होता तो नाम होता अब सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है नेम्ड मीन्स नाम था क्या नाम था साधु ठीक है वहां एक गांव का लड़का था जिसका नाम था साधु एज he ही ऑलवेज यूज टू राइम वॉटर इज necessity वॉटर इज important वॉटर इज लाइफ बचपन में एज अ किड मीनस एक बच्चे के रूप में ठीक है बचपन में या फिर एक बच्चे के रूप में ही ऑलवेज वह हमेशा Used to means used to rhyme ठीक है जहाँ used टू आ जाए means राइम होता है कविता ठीक है कविता बोला करता था यूज टू मीन्स पास्ट की कोई आदत है उसको दिखाने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? कविता गाया करता था करता था ठीक है एक गांव का लड़का जिसका नाम साधु था बचपन में वह हमेशा कविता गाया करता था और वो कविता कौन सी है वॉटर इज अ नेसेसिटी की जल है एक आवश्यकता नेसेसिटी क्या होता है आवश्यकता नेसेसिटी वॉटर इज इंपॉर्टेंट जल है महत्वपूर्ण ठीक है जल है जीवन ये राइम वो अपने बचपन में गाया करता था यूज टू क्लियर है ही नेवर वेस्टेड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर रैदर सेव्ड वॉटर एंड कंटिन्यूड राइमिंग हिज राइम ऑन सेविंग वॉटर ही नेवर वह कभी नहीं नेवर मीन्स कभी नहीं वेस्टेड मीन्स बर्बाद बर्बाद किया अ सिंगल ड्रॉप मीन्स एक बूंद ऑफ water, पानी की रेदर जबकि, ठीक है रेदर मीन्स बल्कि या फिर या बल्कि या फिर जबकि सेव्ड water बचाया पानी और कंटिन्यूड क्या होता है जारी रखा ठीक है राइमिंग हिज राइम अपनी जो तुक बंदी है ठीक है इसको राइम को हम क्या बोलेंगे तुक बंदी भी बोलेंगे rhyme, अपनी तुक बंदी को उसने कविता की जो अपनी कविता की जो तुकबंदी है उसको जारी रखा ऑन सेविंग वाटर, ठीक है बचाते हुए पानी को ये देखिए अब इसको समझते हैं ठीक है ये थी उसकी राइम थी वॉटर इज लाइफ ही नेवर वेस्टेड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वे कभी भी उसने एक पानी की बूंद को बर्बाद नहीं किया बल्कि पानी को बचाया और जारी रखा अपनी कविता की तुकबंदी को पानी को बचाते हुए ठीक है इयर्स लेटर मतलब सालों बाद पीपल जो लोग हैं इन हिज विलेज इन इन मीन्स में हिज मींस उसके गांव के यूज्ड वाटर उपयोग किया पानी का ठीक है रेकलेसली क्या होता है अंधाधुंध अंधा धुंध उन्होंने क्या किया पानी का यूज किया इयर्स लेटर सालों बाद लोगों ने उसके गांव के लोगों ने अंधाधुंध पानी का उपयोग किया ठीक है यूजड सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का टेंस है जब हमने लाइन को लाइन का जब मैंने लास्ट बोला तो आ ए ई से खत्म हुआ ना कि उसके गांव के लोगों ने पानी का अंधाधुंध यूज किया उपयोग किया आ ए ई तो ये क्या है सिंपल पास्ट है पास्ट इन डेफिनेट ठीक है बट साधु डिड नॉट लेकिन साधु ने नहीं किया डिड नॉट ये कौन सा है ये पास्ट इनडेफिनेट का नेगेटिव है बट साधु डिड नॉट साधु ने नहीं किया ही ट्राइड टू वॉर्न उसने किसने साधु ने ही ट्राइड मीन्स कोशिश की टू वॉर्न चेतावनी की देने की एवरीबडी हर किसी को उसने हर किसी को कोशिश की चेतावनी देने की एंड मेक देम अवेयर और मेक देम अवेयर मीन्स उनको जागरूक करने की ठीक है मेक देम अवेयर मीन्स उनको जागरूक करवाना ठीक है मेक देम अवेयर मतलब कभी भी अब जब हम अपना काम किसी से करवाना चाहते हैं तो गेट या मेक लगाकर बनाते हैं ठीक है अगर प्यार से करना प्यार से करवाना है तो हम मेक लगाते हैं अगर हम थोड़ा ऑर्डर देकर करवाते हैं तो गेट गेट का यूज होता है ठीक है तो मेक देम अवेयर मीन्स उनको जागरूक करवाने की अबाउट मीन्स अबाउट मीन्स के बारे में सेविंग वाटर ठीक है पानी को बचाने के लिए ठीक है बट नन पेड एनी हीड टू अ लिटिल बॉयज वार्निंग और राइमिंग बट लेकिन नन मीन्स किसी ने भी नहीं कोई भी नहीं किसी ने भी नहीं यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ पेड मीन्स दिया कोई ध्यान हीड होता है ध्यान ठीक है टू द लिटिल बॉयज वार्निंग जो छोटा लड़के की चेतावनी और कविता पर या तुक पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया अब इसको समझते हैं अच्छे से आई होप आपको समझ आ रहा होगा ठीक है ये देखिए यहां पे थे ही ट्राई टू वॉन एवरी उसने कोशिश की चेतावनी देने की हर किसी को एंड मेक देम अवेयर और उनको जागरूक करवाने के लिए अबाउट सेविंग वाटर पानी को बचाने के बारे में लेकिन नन पेड एनी हीड किसी ने भी ध्यान नहीं दिया ठीक है पेड मीन्स दिया एनी मीन्स कोई ध्यान नहीं दिया लिटिल बॉयज वार्निंग और राइमिंग छोटे बच्चे की चेतावनी पर और उसकी कविता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया साधु इवन शॉर्ड हाउ नॉट टू वेस्ट वॉटर साधु इवन मीन्स यहां तक की शोड मीन्स दिखाया हाउ मीन्स कैसे नॉट टू वेस्ट वॉटर कि पानी को बर्बाद ना करना ठीक है यहां तक कि साधु ने पानी को कैसे पानी को बर्बाद ना करना ये भी उसने दिखाया ठीक है ही डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू ब्रश द तीथ उसने करके दिखाया उसने डेमोन्स्ट्रेटेड होना है दिखाना ठीक है बतलाना किसी को मतलब एक डेमो दिखाना डेमोन्स्ट्रेटेड मीन्स डेमो दिखाकर मतलब उनको दिखाओ और फिर उनको समझाओ उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटेड ठीक है demonstrated, दिखाया कि कैसे ब्रश दांतों को ब्रश करना है टू ब्रश द टीत मीन्स दांतों को ब्रश करना ठीक है टर्निंग द टैप ऑफ टर्निंग मीन्स बंद करना कैसे मतलब नल को घुमाकर बंद करना बंद करना यूजिंग अ बकेट एंड अ मग फॉर बाथिंग ठीक है नहाने के लिए बाल्टी और मग का उपयोग करना ठीक है यूजिंग यूजिंग मीन्स उपयोग करना अ बकेट मीन्स बाल्टी एंड अ मग यानी कि मग का फॉर बाथिंग मीन्स नहाने के लिए ठीक है यूज करना एंड अदर सच सेविंग वॉटर ट्रिक्स और दूसरी ऐसी सेविंग मीन्स बचाने वाली पानी को ट्रिक्स क्या होता है मीन्स टोटके जो होते हैं है ना ऐसे सारे उसने जो टोटके थे ट्रिक्स थी जो चाल थी वो सारी उनको समझाई कि ऐसे ऐसे करके हम पानी को बचा सकते हैं बट स्टिल लेकिन अभी भी या फिर भी द जो लोग हैं पीपल लोग डिड नॉट केयर मच डिड नॉट केयर कौन सा है पास्ट इनडेफिनेट का नेगेटिव है ठीक है ध्यान नहीं दिया मतलब परवाह नहीं की मच मीन्स ज्यादा केयर मीन्स परवाह या द्या, ध्यान नहीं किया ठीक है डिड नॉट है ना डिड नॉट केयर मच ज्यादा परवाह नहीं की ठीक है फिर भी लोगों ने ज्यादा परवाह नहीं की मंथ्स वेंट बाय मंथ्स मीन्स महीने आ, महीने बीतते गए बीतते गए ठीक है विंटर्स केम सर्दियां आई विंटर्स केम विंटर्स के साथ क्या लगा है सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है विंटर्स के मीन्स सर्दियां आई ऑन अ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी मॉर्निंग ऑन मीन्स पर ठीक है ठंडी और सर्द सुबह में ठंडी और सर्द सुबह पर द विलेजर्स अप टू फाइंड द जो गांव वाले थे गांव वाले उठे वॉकअप ठीक है सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है द विलेजर्स वॉकअप गांव वाले उठे टू फाइंड ढूंढने के लिए दैट की देर वॉज नो वॉटर कि वहां पानी नहीं था जब वो सुबह उठे ठीक है द विलेजर्स अप टू फाइंड दैट देर वॉज नो वॉटर उन्होंने क्या पाया मतलब जब वो उठे तो क्या पाया कि वहां पानी नहीं था दे कॉल्ड आउट टू ईच अदर टू चेक दे कॉल्ड उन्होंने बुलाया ठीक है टू ईच अदर एक दूसरे को एक दूसरे को बुलाया ठीक है चेक करने के लिए चेक करने के लिए कि यदि इफ मींस यदि एनी वन हैड वाटर कि किसी के पास पानी था हैड मीन्स कोई भी चीज होना ठीक है अगर पास्ट में किसी कोई चीज हमारे पास थी तो हम हैड लगाएंगे अगर प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज है तो हम हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है बट अल्लास लेकिन वॉटर बट अलास लेकिन अफसोस ठीक है दुख जताने के लिए हम क्या लगाते हैं अल्लास बट अलास नो वन हैड अ सिंगल ड्रॉप ठीक है alas, but, alas, no कि किसी के पास भी नहीं थी एक बूंद ठीक है किसी के पास भी एक सिंगल बूंद एक सिंगल ड्रॉप नहीं थी नो वन हैड अ सिंगल ड्रॉप दे कुड नॉट ड्रिंक वे कुड नॉट नहीं सके ड्रिंक मींस पीना ठीक है वे नहीं पी सके आगे देखते हैं एनी water ठीक है ना वो पानी पी सके वॉश their क्लोथ्स वॉश मीन्स धोना अपने कपड़े ना वो अपने कपड़े धो सके ठीक है कनेक्टेड है ना लाइन और स्टार्टिंग में क्या लगा है कुड लगा हुआ है ठीक है ना कपड़े धो सके और टेक अ बाथ ठीक है ना नहा सके मतलब ना बाथ ले सके द होल डे पूरे दिन पूरे दिन ना तो वो नहा सके ना कपड़े धो सके और ना पानी पी सके फाइनली आखिरकार विलेजर्स जो गांव वाले थे देन अप्रोच फिर ठीक है अप्रोच मीन संपर्क किया पहुंचे उसके पास किसके पास साधु के पास गए वो जब उनको ना पानी मिला ना कपड़े धोने को मिले ना नहा सके तो वो आखिरकार जो गांव वाले थे वो साधु के पास गए अब उसको अप्रोच किया दे रिपेंटेड फॉर देअर मिस्टेक उन्होंने रिपेंटेड होता है पछताए ठीक है फोर मीन्स के लिए किसके लिए अपनी गलती के लिए अपनी गलती के लिए वो लोग पछताए ऑफ नॉट सेविंग एनी वाटर की मीन्स ना बचा पाए पानी को ठीक है मतलब कोई भी पानी वो नहीं बचा पाए इस चीज पे वो बहुत पछताए साधु रिमाइंडेड देम साधु ने याद दिलाया उनको ऑफ द इम्पोर्टेंस ठीक है महत्ता ऑफ वाटर ठीक है पानी की महत्ता को उसने याद दिलाया उनको कि मैं पहले तो बोलता था तब तो किसी ने नहीं, नहीं सुना ठीक है तो साधु साधु क्या था साधु था एक बच्चा अलाउड एवरी विलेजर इसलिए दे अलाउड उन्होंने आज्ञा दी ठीक है एवरी मीन्स प्रत्येक गांव वाले को टुटे का बाकेट लाने की एक बाल्टी और पानी दैट ही हैड स्टोर्ड की वह ही हैड स्टोर्ड मीन्स इकट्ठा करें इकट्ठा कर पाए ठीक है जो उसने दैट ही मीन्स उसने इकट्ठा किया था हेड स्टोर्ड है पास्ट परफेक्ट है आ था ई थी ए थे या फिर चुका था चुके थे चुकी थी ठीक है ना जो वो इकट्ठा कर चुका था या फिर उसने किया था ठीक है इन मीन्स में द टैंक जो बड़े बड़े टैंक होते हैं ड्यूरिंग मीन्स के दौरान द समर डेज और गर्मियों के दिनों में आप इसको समझते हैं ठीक है ना साधु रिमाइंडेड देम साधु ने उनको याद दिलाया कि पानी की महत्ता क्या है ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ठीक है साधु किड वो एक बच्चा था इसलिए उन्होंने अलाउड एवरी विलेजर उसने सबको अलाउ कर दिया एवरी विलेजर को टू टेक बकेट ऑफ वाटर ठीक है एक लाने की एक बाल्टी पानी की उसने अलाउ कर दिया हैड स्टोर्ड इन द टैंक उसने इकट्ठा किया था या फिर वो कर चुका था इन द टैंक गर्मियों के दिनों के दौरान उसने पानी को इकट्ठा किया हुआ था विलेजर्स थैंक् साधु जो गांव वाले थे thanked, शुक्रिया किया साधु का और वादा किया प्रोमिस्ड सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है प्रोमिस होता तो सिर्फ वादा होता अब प्रोमिस्ड है तो वादा किया डेम सेल्स अपने आप से उन सब ने अपने आप से देम सेल्स नेवर टू वेस्ट कि कभी नहीं बर्बाद करने की पानी को पानी को बर्बाद ना करने की उन्होंने क्या ली प्रोमिस किया अपने आप से ठीक है और साधु को थैंक बोला द नेक्स्ट डे अगले दिन बाय गॉड्स ग्रेस ठीक है भगवान की कृपा से By God' grace, the village welcomed winter rain. गांव जो था गांव ने क्या किया स्वागत किया अब ये देखिए, वेलकम होता तो स्वागत होता सिर्फ अब सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है तो स्वागत किया। ठीक है किसका विंटर रेन सर्दियों की बारिश का सर्दियों की बारिश का उन्होंने क्या किया स्वागत किया देयर वेल्स उनके जो कुएं थे और टैंक थे वर अगेन फिल्ड अगेन मीन्स दोबारा अब देखिए वर है वर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है फिल मीन्स भरना भर गए थे पैसिब है सिंपल पास्ट का उनके जो टैंक और वेल हुए थे वो दोबारा भर गए थे ठीक है विद से स्पार्कलिंग मीन्स जगमगाते वॉटर से जगमगाते पानी से उनके जो टैंक और वो कुएं थे वो भर गए थे वर अगेन फिल्ड विद स्पार्कलिंग वाटर। एवरी वन इन दिलेज हर कोई इन मीन्स में गांव में ग्लिटर्ड चमका विद जॉय ठीक है खुशी से खुशी से चमक गए ठीक है ना हर कोई गांव में खुशी से चमक गया ग्लिटर्ड हो गया दस इस प्रकार डू यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉटर अब देखिए कौन सा है डू से स्टार्ट हो रहा है प्रे, प्रेजेंट इन का क्या है ये इंटेरोगेटिव ठीक है क्या डू यू सी क्या आपने देखा ठीक है पानी की महत्ता को डू यू सी क्या आपने देखा द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पानी की महत्ता को क्वेश्चन मार्क ठीक है क्वेश्चन पूछा है ना इस प्रकार डू यू सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या आपने देखा पानी की महत्ता को इफ यू रन आउट ऑफ वाटर इन अ सिंगल डे यदि आप रन आउट मीन्स समाप्त होना खत्म होना ऑफ वाटर ठीक है इन अ सिंगल डे इन मीन्स में सिंगल मीन्स एक ही दिन में इट बिकम्स ये है हो जाता है अब जाता है क्यों लिखा बिकम के साथ एस लगा है प्रेजेंट इनडेफिनेट है है ना इट भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर है बिकम्स इट बिकम्स मीन्स ये मुश्किल हार्ड मीन्स मुश्किल हो जाता है फॉर अस अस मीन्स हमारे फॉर मीन्स लिए हमारे लिए टू सरवाइव जीवित रहना ठीक है अगर एक ही दिन में पानी समाप्त हो जाता है तो यह हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जीवित रहना तो ये था पूरा ऐसे एक छोटा सा पैराग्राफ किसके ऊपर सेव वाटर सेव लाइफ के ऊपर आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पैराग्राफ से तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा गॉड ब्लेस यू